नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। टाउन हॉल में महापौर की उपस्थिति में मिनी सदन की बैठक हुई संपन्न। ये भोजपुरी अध्ययन केंद्र में मानस पत्रिका के प्रथम स्थापनोत्सव परिचर्चा से बहुभाषी काव्य पाठ का हुआ आयोजन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और दुर्गा कुंड स्थित देवी कुष्मांडा के दरबार में वार्षिक श्रृंगार महोत्सव संगीत समारोह का हुआ भव्य शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। टाउन हॉल में महापौर की उपस्थिति में मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई। टाउन हॉल के मिनी सदन के हॉल में सभी वार्डो के सभासदों के साथ महापौर अशोक तिवारी की उपस्थिति में मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नगर में सीवर समस्या, पानी समस्या, बिजली अतिक्रमण, जगह जगह खुदाई से बेहाल सड़कों को लेकर सभासदों ने महापौर से शिकायत दर्ज कराया। इस सदन की बैठक में सभी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हुए, जिसमें सारी शिकायत महापौर ने सुनने के बाद अधिकारियों को समस्या का हल शीघ्र निकालने का निर्देश दिया। इस सदन की बैठक में प्रमुख रूप से महापौर अशोक तिवारी, नगर आयुक्त शिपू गिरी, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एनपी सिंह समेत कई अधिकारी व सभासद उपस्थित रहे। किस तरह की आज बैठक ये संपन्न हुई? नगर निगम की सदन की बैठक थी और आज सदन की बैठक थी। सदन में कई विषय आए, बजट है, बजट को पास करना है, उसी संबंधित आज बैठक थी। कई समस्या सभासदों की, जैसे सीवर है, गाय है, तो इस पर क्या आज निर्णय निकला, इस पर क्या कर रहे हैं? कार्यकारिणी और सदन चलाने का यही विषय होता है कि जो हमारे माननीय पार्षदगण का उस क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उसके समाधान के संबंधी कौन विभाग जिम्मेदार है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, ये सब विषय सदन में उठता है। और सदन का उद्देश्य भी यही होता है, जो क्षेत्र की समस्याएं उस सदन में उठे उसका समाधान किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज का सदन चल रहा है। क्या ज़्यादा समस्याएं तो कई हैं, शहर की समस्याएं, सभी समस्याओं का प्रश्न हमारे माननीय पार्षद उठा रहे हैं, उसका समाधान का भी हम लोग रास्ता खोल रहे हैं। सदन दो दिन चलेगा। नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी। बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र में मानस पत्रिका के प्रथम स्थापनोत्सव परिचर्चा सह बहुभाषी काव्य पाठ का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भोजपुरी अध्ययन केंद्र के सभागार में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोजपुरी अध्ययन केंद्र में मानस पत्रिका के प्रथम स्थापनोत्सव परिचर्चा से बहुभाषी काव्य पाठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व कुलगीत के साथ हुआ। छात्रों ने काव्य का पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग रहे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र भौतिकी विभाग, डॉ प्रभात मिश्रा हिन्दी विभाग, डॉ सपना भूषण एसोसिएट प्रोफेसर हिन्दी विभाग वसंत कन्या महाविद्यालय, डॉ राजेश सरकार हिन्दी विभाग उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक मानस पत्रिका के संपादक आर्यपुत्र दीपक रहे। आज मानस पत्रिका के विशेषांक का लोकार्पण है और उसके साथ ही उस पर परिचर्चा होगी और फिर बहुभाषी कविता पाठ भी होगा। असल में मानस पत्रिका भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू के शोधार्थी आर्यपुत्र दीपक के द्वारा संपादित की जाती है और यह कह सकते हैं कि युवा चेतना संपन्न एक बहुत ही शानदार पत्रिका है, जिसमें कि बहुत सारे नए रचनाकार पिछले एक वर्ष से प्रकाशित होते रहे हैं। और इसका ये जो आज विशेषांक आया है, ये विशेषांक है, ये बहुभाषी विशेषांक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी का लोकार्पण है और इस लोकार्पण है तो मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष बीएचयू और डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र हिंदी विभाग बीएचयू, डॉक्टर सपना भूषण वसंत कन्या महाविद्यालय के साथ साथ भौतिकी विभाग के प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र, संस्कृत विभाग के डॉक्टर राजेश सरकार जैसे विद्वानों को बुलाया गया है।
जो न केवल इस पत्रिका पर अपनी चर्चा करेंगे बल्कि नई पीढ़ी को अपना आशीर्वाद भी देंगे और उनको उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। मैं इस संदर्भ में इस पत्रिका के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जो नई शिक्षा नीति बहुभाषिकता पर जोर देती है, आप देखिए कि हमारे छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो नौजवान छात्र हैं, कैसे उस नई शिक्षा नीति के अनुपालन में तरह तरह से कार्य कर रहे हैं और अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और यह हमारी नई शिक्षा नीति के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए एक आश्वस्तिकारी भविष्य है और बहुत ही सुखद है। इससे छात्रों को कितना लाभ होगा? इस कार्यक्रम से छात्रों को बहुत लाभ होगा। इसमें जो कार्यक्रम में एक हिस्सा यह भी है कि वर्ष भर में जो ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हिंदी कविता को लेकर के हुई हैं, तो उन ऑनलाइन प्रतियोगिता में जो बच्चे बहुत अच्छा की अच्छी कविताएं लिखे हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और उनके पुरस्कार का साक्षी होने के लिए गाजीपुर से, बलिया से, जौनपुर से, सोनभद्र से, मिर्जापुर से न केवल छात्र आए हैं बल्कि शिक्षक और उनके संरक्षक भी यहाँ पर आए हुए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन व जलाभिषेक किया। इस दौरान अधिकारियों ने अंगवस्त्र उठाकर उनका स्वागत किया। राजस्थान के राज्यपाल दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हुए हैं। सर्किट हाउस में कुछ समय विश्राम करने के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने उन्हें अंगवस्त्र उठाकर स्वागत किया। राज्यपाल ने विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। राज्यपाल ने काशी में ही रात्रि विश्राम किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। के बाद आपका स्वागत है। दुर्गाकुंड स्थित देवी कूष्मांडा के दरबार में वार्षिक श्रृंगार महोत्सव व संगीत समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। दुर्गाकुंड स्थित देवी कूष्मांडा के दरबार में मंगलवार की रात जुटे सैकड़ों भक्तों को मां के आंचल तले संगीत की मखमली ध्वनि ने आनंदित किया। प्रथम निशा में पद्मभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट और उनके पुत्र सलील भट्ट की जुगलबंदी प्रमुख आकर्षण रही। समारोह का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल और साथी कलाकारों ने शहनाई की मंगल ध्वनि से की। कन्हैया दुबे के संयोजन में शुरू हुए आयोजन में पिता पुत्र पंडित विश्व मोहन भट्ट और सलील भट्ट की जोड़ी ने क्रमशः मोहन वीणा एवं सात्विक वीणा के तार छेड़े। राग जोग में अलाप से वादन का प्रारंभ करते हुए इस जोड़ी ने जोड़ और झाला का यादगार वादन किया। राग पहाड़ी भोपाली में धुन से कार्यक्रम को विराम दिया। इसके बाद बनारस घराने के शुभ महाराज ने एकल तबला वादन किया। अगली कड़ी में डॉ अर्चना आदित्य महस्कर ने रचनाएं सुनाई। तबले पर सिद्धांत मिश्रा, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने साथ दिया। इस निशा में बीएचयू की डॉ विधि नागर ने कथक, देवाशीष डे ने शास्त्रीय गायन, आस्था गोस्वामी ने वृंदावनी गायन, राघवेंद्र नारायण ने गिटार वादन किया। वहीं इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की भव्य सजावट की गई थी। देर रात तक भक्तों ने पहुंचकर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। हम जब छोटा रह ली तो फिर हम बनारस से दिल्ली चल गए ली और वहीं भाऊ के साथ सीखत रह ली हम। जो आजकल हिंदुस्तान में बांसुरी बजा ला हमारे घर से हो, हमारे घर का शागिर्द हूँ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सभी लोग बहुत जितने भी हिंदुस्तान में बांसुरी बजा ला सब हमारे घर से हो और बनारस का हो, तो बनारस का बहुत आशीर्वाद हम सबका हो। हमारा बनारस घराना भी हो तो बांसुरी का और शहनाई का,
हमारे बाऊ और उनके बाऊ और उनके बाऊ दादा परदादा सब लोग यही काम करते ना 250-300 साल से। तो यही है कि भाई के दरबार में इस बार ही आए रही और आप लोगों के साथ बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा था। तो हम हर साल आईला यहाँ पे हाजिरी देवे बांसुरी का, और ये है कि हमारे महन जी का आशीर्वाद हम सब पे है तो हम लोग हर साल आ जाएंगे। 6 दिन कैसा लगा ना आपके? अरे बड़ा मजा वाला, मतलब ये है कि हम लोग दिल्ली में रही ना तो रात भर सुतीला आराम से, लेकिन यहाँ पे रात भर काम करने के बाद बहुत मजा वाला। माई के दरबार में एक बार 6 दिन केकर हाजिरी लगा था। बहुत सारे कलाकार हुए, देखा इतना कलाकार हुआ, मैं एक एक दिन में 10-10 कलाकार हुआ, तो मतलब देखा ये तो 50-60 कल। और 3 दिन बाद जब भजन और संध्या है ना उसमें तो 15-15 कलाकार, इतने कलाकार हैं कि हम सबका नाम बोल लेते लेते मेरे ख्याल में बहुत देर हो जाएगा। मुख्य कलाकार देखिए बहुत अच्छे हमारे बीच आ रहे हैं, जो कि 2018 में भी आए थे और 2022 में भी आए थे, पंडित विश्वनवर जी तो वो भी आए हुए। एक हमारे एक बांसी वादक हमारे अपने छोटे भाई हुए रोनू मजेदार, वो भी आए हुए, और रिम्पा शिवाहीन कलकत्ते के तबला वाले वो भी आए हैं, और मालिनी अवस्थी जी हैं तो वो तो बनारस से जुड़ी हुई हैं तो इसलिए बनारस से वो तो हमेशा आवल यहाँ पे, और बहुत सारे कलाकार जो बम्बई से, एक बहुत अच्छे होनहार हिंदुस्तान के बहुत मशहूर कलाकार नीलाद्री जी भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बनारस में ऐसे माहौल में हम लोग को आना पड़ रहा है और मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा। मतलब आज तो शुरुआत है, आज का दिन माँ का पहला श्रृंगार है। जी ये उपलक्ष में काशीवासी का क्या? अरे काशीवासी तो आनंद, मतलब यहाँ आके हम लोग को आनंद आता था, यहाँ के लोग तो आनंद में ही रहते हैं, तो बहुत मजा हुई है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। नासिरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाकर लोगों से चुटकी भर चावल व मिट्टी लेकर एकत्र की। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाकर घर घर से चावल और माटी एकत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 33 करौंदी के पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश यह अभियान पूरे देश में शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई दिल्ली में एक अमृत पार्क बन रहा है, जिसके निमित्त हर घर से एक चुटकी चावल और एक चुटकी माटी एकत्र किया जा रहा है, ताकि वहां जो निर्माण होगा उसमें प्रत्येक देशवासियों का योगदान रहे। उन्होंने बताया कि हमारे यहां सेक्टर का कार्यक्रम है 4 बूथ का, यही 4 बूथों यानी 4000 लोगों का कार्यक्रम है, बाकी तो ये कार्यक्रम हर गली मोहल्ले में हर जगह हो रहा है। आज आखिरी दिन भी है इस कार्यक्रम का। इस अवसर पर आज वार्ड में एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ साथ आसपास के पार्षद और प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नारी शक्ति ने भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। देश के लिए शहीद हुए, बलिदान हुए जवानों का जो दिल्ली में शहीद पार्क और शहीद उद्यान तथा और उनके नाम काम के लिए उनको देश में उनके चिन्हों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए जो स्मारक बनवाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय हमारी देश की सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक परिवार में से एक चुटकी माटी और एक चुटकी चावल ले आकर उनका भी अंश उसमें समाहित हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारत माता की जय, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रत्येक घर घर घूम रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आज हम सभी लोग नासीपुर के इस गांव पंचायत में जो आजकल नगर निगम हो गया है उसमें ये कार्यक्रम किए हैं। आज मैं इस आपके माध्यम से और यहाँ वर्तमान में नासीपुर में जो बैठा हूँ यहाँ से मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लें, ताकि जो शहीद हुए हैं उनके नमन करें हम देश के लिए, जो शहीद हुए हैं बलिदान हुए हैं हम उनको नमन करें। कितने लोग इस सभा में आएंगे? नहीं ये सभा नहीं कार्यक्रम है, ये तो पदयात्रा कार्यक्रम। आपने देखा है कि लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता हमारे लगे हैं यहाँ, हमारे यहाँ के पार्षद श्याम भूषण जी, बगल के पार्षद गुड्डू जी और कंदवा के पार्षद गोपाल जी, पूर्व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान संघ के वाराणसी जनपद के अध्यक्ष रह चुके कमलेश पाल जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री जितेंद्र केसरी जी तथा अन्य सभी लोग
बहन गीता जी, आशा जी, गीता जी तथा तमाम बहनें भी हमारे साथ चल रही हैं। सभी के अंदर अपार उत्साह है। भारत माता की जयकारा लगाते हुए हम लोग जहां से निकल रहे हैं, सभी लोग शौक से अपने स्वेच्छा से घर के बाहर निकलकर एक चुटकी माटी और चावल उपलब्ध करा रहे हैं। चौक गौमठ स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश जी के वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। गौमठ गढ़वासी टोला चौक स्थित श्री सिद्धि विनायक जी महाराज का वार्षिकोत्सव आगामी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आकर्षक सजावट के साथ विभिन्न गणमान्य लोगों का सम्मान होगा। इस आयोजन के तहत विभिन्न कलाकारों द्वारा गायन एवं वादन की प्रस्तुति भी की जाएगी। इस बात की जानकारी मणिकर्णिका घाट स्थित गढ़वासी टोला गौमठ गणेश मंदिर में पुजारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। क्या है, कब और क्या करने जा रहे हैं? भाद्रपद शुक्ल पक्ष वैनायकी चतुर्थी के अंतर्गत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़े आनंद हर्ष के साथ 18 से दिनांक 22 तक पंचदिवसीय कार्यक्रम, विविध प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें 18 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत होगा। गणेश सर्व शीर्ष का पाठ होगा। मध्याह्न सहस्र मोदक के द्वारा हवन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। उसके बाद सायं 4 बजे से आपके बीच दिव्य झांकी होगी और 6 बजे बाबा की भव्य आरती के साथ हमारे बीच राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु होंगे, जिनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ होगा, जिसमें राजेश शाह जी का सितार वादन और प्रवीण उद्धव जी का सामूहिक तबला वादन एवं श्री मधुमिता भट्टाचार्य जी का गायन प्रस्तुत होगा। द्वितीय निशा में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विविध कार्यक्रम संपन्न होंगे। तृतीय निशा में अंताक्षरी का कार्यक्रम, निशा में चारों वेदों द्वारा बसंत पूजा का आयोजन किया गया है और चतुर्थ निशा में बच्चों की द्वारा अंताक्षरी का आयोजन एवं कलाकारों और विद्वानों को सम्मान किया जाएगा और दिनांक 22 तारीख को भंडारा करके, भव्य भंडारा करके समापन किया जाएगा। सौ धन्यवाद। गणवासी टोला गौमठ वाराणसी, राजेंद्र कुमार शर्मा उर्फ दीपू गुरु, धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। टाउन हॉल में महापौर की उपस्थिति में मिनी सदन की बैठक हुई संपन्न। ये जो भोजपुरी अध्ययन केंद्र में मानस पत्रिका के प्रथम स्थापनोत्सव परिचर्चा से बहुभाषी काव्य पाठ का हुआ आयोजन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और दुर्गा कुंड स्थित देवी कुष्मांडा के दरबार में वार्षिक श्रृंगार महोत्सव संगीत समारोह का हुआ भव्य शुभारंभ। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।